तो सुनिए मेरे लेक्चर को ध्यान से अगर आपने मेरे लेक्चर ध्यान से सुने तो आपको कहीं और से कोई और लेक्चर के रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है तो चलते हैं हाँ जी सुनिए ध्यान से आ, प्लांट्स कैसे रेस्पिरेशन करते हैं देखिए प्लांट्स के अंदर कोई भी आ, क्या नहीं मिलता है स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन उनके अंदर देखने को नहीं मिलता है जैसे कि ह्यूमन के केस में बात करूं तो ह्यूमन के केस में किडनीज uh, देखने को मिलते हैं जो कि मैं आपको अभी डिस्कस करने जाऊंगा इसके तुरंत बाद में ठीक है पहले हम प्लांट्स का पढ़ लेते प्लांट्स का इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है ठीक है सो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स इज नॉट सो कॉम्प्लेक्स एज इन ह्यूम तो ह्यूमन का जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस है वो कैसे कैसे कॉम्प्लेक्स है उसको मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा लेकिन उससे पहले देखिए जी एक्सक्रीशन होता क्या है एक्सक्रीशन होता है रिमूवल ऑफ ठीक है ना वेस्ट भी वही होना चाहिए जो मेटाबॉलिक वेस्ट है कौन सा मेटाबॉलिक वेस्ट अब जो भी हमने अपनी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन लिया है जो एक एक सेल तक पहुंचा है हमारी बॉडी की एक एक सेल तक जो न्यूट्रिशन पहुंचा है हमारी सेल ने जो एब्सॉर्ब किया है अब एब्जॉर्ब करने के बाद जो भी रिएक्शन हमारे सेल के अंदर चली होंगी जो भी रिएक्शन सेल के अंदर चली होंगी उसका जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा होगा उसका जो भी प्रोडक्ट बन रहा होगा उसी प्रोडक्ट के रिमूवल की प्रोसेस को उसी वेस्ट प्रोडक्ट के रिमूवल की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं एक्सक्रीशन बोलते हैं ठीक है आई होप आप इसको याद रखेंगे वट इज एक्सक्रीशन

प्लांट के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो रेस्पिरेशन से बन सकता है एंड व्हाट इज रेस्पिरेशन यू ऑल नो द रिएक्शन एंड द रिएक्शन इज सी सिक्स एच टिक्स प्लस सिक्स ओ टू आफ्टर दैट रिएक्शन क्या प्रोड्यूस होता है सिक्स सी ओ टू प्लस सिक्स एच टू ओ प्लस एनर्जी रेस्पिरेशन की रिएक्शन में एनर्जी रिलीज की जाती है ठीक है एनर्जी रिलीज होती है अच्छा एक और बात आपने याद रखनी है यहां पर जो वेस्ट प्रोडक्ट बना है वो बना है सीओ टू क्लियर है ना तो कोई भी आपसे पूछे बट इज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन तो आपको जवाब दे देना है द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन इज सी ओ टू क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड क्लियर है तो यहां तक मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूं कि रेस्पिरेशन से कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट बना सीओ टू बना ठीक है जी इसके बाद आगे बात करते हैं फोटोसिंथेसिस से कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट बनता है फोटोसिंथेसिस से जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है तो अभी तक मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेशन का वेस्ट प्रोडक्ट क्या है कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस का वेस्ट प्रोडक्ट क्या है फोटोसिंथेसिस का वेस्ट प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन जी हाँ कहीं आप लोग सोच रहे हो कि ऑक्सीजन तो वेस्ट हो ही नहीं सकता है तो मैंने बताया मैं उन्हीं वेस्ट की बात कर रहा हूं जो मेटाबॉलिक वेस्ट है ठीक है ना मेटाबॉलिक वेस्ट है और मेटाबॉलिज्म क्या होता है बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शन चलती है उनको हम मेटाबोलिज्म बोलते हैं अब रिएक्शन के अंदर कुछ तो बाई प्रोडक्ट या फिर कुछ तो ऐसे प्रोडक्ट बन जाते होंगे जो कि हम नहीं चाहते कि वो बने जैसे कि रेस्पिरेशन से मेरा सीधा मतलब होता है कि मुझे सिर्फ एनर्जी मिल जाए अब इसके अलावा जो कुछ बनाया वो क्या है वेस्ट है मेरे लिए इस रिएक्शन की इस रिएक्शन के बिहाफ पर. पर बात करूं तो फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस में में देखो क्या क्या बनता है में मेरे, मेरे, को जो चीज बनानी है वो क्या है ग्लूकोज बनाना है लेकिन इसके साथ और क्या बन जाता है इसके साथ बन जाता है ऑक्सीजन जो कि मुझे नहीं चाहिए मुझे चाहिए नहीं था ऑक्सीजन ठीक है ना अगर मेरा काम फोटोसिंथेसिस से है तो फोटोसिंथेसिस किसके लिए जाना जाता है फोटोसिंथेसिस जाना जाता है ग्लूकोज के प्रोडक्शन की वजह से सिर्फ ग्लूकोज के प्रोडक्शन के लिए लेकिन साथ में और क्या बन गया ऑक्सीजन बन गया तो इसीलिए यहां पर हम ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे एज अ वेस्ट बोलेंगे ठीक है ना हमें चाहिए क्या था सिर्फ ग्लूकोज चाहिए था लेकिन साथ में क्या बन गया ऑक्सीजन बन गया ठीक है हाँ तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस का जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन अब कुछ अदर मेटाबॉलिक रिएक्शन भी चलती है प्लांट के अंदर जिनकी वजह से प्लांट जिसकी वजह से प्लांट के अंदर जैसे कि गम्स बन जाता है ऑयल्स बन, बन जाता है लेटेक्स एंड रेजेंस ठीक है ना ये सब क्या है ये सब भी कुछ बाय प्रोडक्ट बन जाते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस में है ना अच्छा अब देखिए जो भी वेस्ट बन रहा है वो प्लांट के लिए वेस्ट है अब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये किसके लिए प्लांट के लिए तो वेस्ट है लेकिन ये वेस्ट प्रोडक्ट हमारे लिए तो यूजफुल हो सकते हैं ना जैसे कि अगर आपने अपने घर से कोई भी, भी कवाड़ा आपने घर से बाहर निकाला ठीक है वो कवाड़ा किसी के लिए तो बेनिफिशियल होगा जो रेग पिकर्स होते हैं वो तो कवाड़ा ही बीनते हैं ठीक है ना हम्म तो उनके लिए तो ये बेनिफिशियल है तो ऐसे ही जो चीज प्लांट के लिए वेस्ट है वो किसी के लिए तो फायदेमंद होगा ना हम्म तो ऐसे ही ये चीजें मुझे आपको बताई थी और मैंने आपको बता दी है अच्छा अब देखो भाई इसका आप इसकी लो मैं आपको कुछ और बातें बताने जा रहा हूं अब सुनो मैं ध्यान से प्लांट्स के अंदर क्या होता है जो रेस्पिरेशन है ये जो गैस निकल रही है गैसियस एक्सचेंज प्लांट के अंदर कैसे हो जाता है ये तो ट्रांसपीरेशन से हो जाएगा या फिर स्टोमेटा के थ्रू हो जाएगा किसके थ्रू हो जाएगा थ्रू स्टोमेटा तो स्टोमेटा के थ्रू क्या हो जाएगा ये ऑक्सीजन और सीओ बाहर निकल जाएगा कई बारी प्लांट के अंदर एक्सेस वाटर भी बन जाता है मतलब लिमिट से ज्यादा वाटर प्लांट के अंदर मिलता है और जब प्लांट के अंदर लिमिट से ज्यादा वाटर हो जाता है मतलब वो वाटर जो प्लांट को नहीं चाहिए मतलब प्लांट के लिए क्या हो जाएगा वो अनवांटेड वाटर हो जाएगा अब अनवांटेड है तो वो वेस्ट है वेस्ट वही होगा जो अनवांटेड होगा जिसको कि नहीं चाहता है कोई ठीक है और फिर इस वेस्ट को निकाला जाएगा प्लांट के अंदर से तो ये जो वाटर है ये वाटर प्लांट के अंदर से कैसे कैसे निकलता है वाटर प्लांट के अंदर से दो प्रोसेस से निकलता है एक तो निकलता है ट्रांसपीरेशन से मैंने आपको पढ़ा रखा है ट्रांसपीरेशन के बारे में ऑलरेडी ठीक है और एक प्रोसेस है ग्यूटेशन इससे भी निकलता है ट्रांसपीरेशन से जो वाटर निकलेगा वो गैसियस फॉर्म में निकलेगा और ग्यूटेशन से जो वाटर निकलेगा वो लिक्विड फॉर्म में निकलेगा ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है ठीक है हाँ अच्छा एक तो हो गया ट्रांसपीरेशन से वाटर रिलीज होता है स्टोमेटल पोर के थ्रू वाटर रिलीज होता है या फिर प्लांट क्या करता है वेस्ट को स्टोर भी करके रख सकता है स्टोर क्या कर सकता है वेस्ट को स्टोर करके रख सकता है देखो भाई मैंने पहला पॉइंट बताया यहां पर सेकंड पॉइंट मैंने यहां डिस्कस कर रहा हूं ठीक है और थर्ड पॉइंट मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं यहां ऊपर ठीक है तो प्लांट इन वेस्ट वॉटर को क्या कर सकता है स्टोर भी करके रख सकता है अब स्टोर कहां करता है प्लांट स्टोर आप देखेंगे स्टोर या तो स्टेम में स्टोर करके रखेगा या लीव्स में स्टोर करके रखेगा ठीक है या फिर रूट्स में स्टोर करके रखेगा ठीक है यहां प्लांट इन चीजों को क्या करके रखता है स्टोर करके रखता है जैसे कि स्टेम में कहा बार्क के नीचे पेड़ की छाल होती है जिसको ऑफ ट्री बोलते हैं ठीक है ठीके? वहां स्टोर कर देगा लीफ में कुछ गोलियां बन जाती हैं ठीक है या फिर कोई लीफ डेड लीफ है एकदम मरी हुई लीफ है तो उस लीफ के अंदर प्लांट वेस्ट वोड डालते रहते हैं प्लांट भी बहुत चालाक है अगर उसको दिख रहा है कि कोई लीफ बर्बाद होने वाली है खत्म होने वाली है तो उस खत्म लीफ के अंदर वो वेस्ट को तो क्या करते रहते हैं डालते रहते हैं और इसके अंदर से इसके अंदर से जितनी भी नेसेसरी ऑर्गेनिक चीजें हैं जो भी जरूरी जरूरी चीजें उनको ये लेते रहते हैं उनको ये वापस से प्लांट अपने अंदर खींच लेता है और वेस्ट को इसके अंदर डालता रहता है जब इसकी लिमिट कंप्लीट हो जाती है इस लीफ की इस डेड लीफ की तो इसको फिर प्लांट छोड़ देता है नीचे और ये क्या हो जाता फिर फॉल डाउन हो जाती है लीफ ठीक है ना तो प्लांट भी ऐसे ही पत्तियां नहीं गिराता है प्लांट भी बहुत है ना हिसाब किताब लगाता है कि इसके अंदर वेस्ट डालते जाओ भाई ये अब जाने वाला है हमसे अलग होने वाला है तो इसके अंदर वेस्ट डालते जाओ और इसके अंदर से जितनी भी जरूरी चीजें हैं जितनी भी इसेंशियल चीजें हैं वो सब बाहर निकाल लो ठीक है ना तो प्लांट लीफ के साथ ऐसा करता है और रूट में भी चीजें स्टोर रखता है और रूट के थ्रू डिफ्यूजन की प्रोसेस से रूट के थ्रू डिफ्यूजन की प्रोसेस से ये इस वेस्ट मेटीरियल को कौन सी प्रोसेस है पहले तो प्रोसेस याद रखो प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन एंड व्हाट इज डिफ्यूजन ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं ठीक है आप लोगों के साथ तो डिफ्यूजन की मदद से ये इनको कहां पहुंचा देगा सॉइल के अंदर पहुंचा देगा ठीक है जी ये बात आपने याद रखनी है तो डिफ्यूजन की मदद से कहां पहुंचा देर के के है आई होप आप इसको याद रखेंगे तो मैंने आपको क्या क्या बताया है रिव्यू कराता हूं देखो प्लांट के पास कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो है नहीं और इसका एक्सक्रीशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है अभी आपने कॉम्प्लेक्स देखा नहीं मैं अभी आपको ह्यूमन अच्छा. के अंदर कितना ठीक है अच्छा है, है या फिर अदर मेटाबॉलिक रिएक्शन देखिए फोटोसिंथेसिस भी एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है रेस्पिरेशन भी एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है तो वेस्ट प्रोडक्ट वही काउंट होंगे जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान बने होंगे ठीक है ना तो अगेन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा वट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन तो डेफिनेशन क्या है एक्सक्रीशन की द रिमूवल ऑफ मेटाबोलिक वेस्ट वो ही वेस्ट जो मेटाबोलिज्म के दौरान बने हैं तो रेस्पिरेशन के दौरान कौन सा वेस्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है फोटोसिंथेसिस में कौन सा बनता है ऑक्सीजन बनता है ठीक है अदर मेटाबॉलिक रिएक्शन में जैसे कि कुछ गम्स बन जाते गोंद वगैरह ऑयल ठीक है लेटेक्स रेज ये सब बन जाते हैं ठीक है ठीके? अच्छा

अब प्लांट इन वेस्ट को स्टोर भी करके रख सकता है स्टोर कहां रख रखेगा या तो स्टेम में करके के के नीचे नीचे छाल ठीक है या फिर लीव्स के अंदर स्टोर करके रखेगा जैसे डॉट्स बन जाते हैं कुछ लीव्स में जाती है गोलियां तो वहां स्टोर करके रखेगा या फिर रूट्स के अंदर स्टोर करके रखेगा अब रूट्स के अंदर ये स्टोर भी कर सकता है या फिर डिफ्यूजन की प्रोसेस से इसको कहां ट्रांसफर कर सकता है सॉइल के अंदर ट्रांसफर कर सकता है एंड व्हाट इज डिफ्यूजन डिफ्यूजन इज द

कुछ एक्सक्रीशन अदर अदर ऑर्गेनिज्म में कैसे-कैसे होते हैं उससे पहले मैं आपको एक बारी फिर से एक्सक्रीशन की डेफिनेशन याद दिलाना चाहूंगा तो देखिए ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है मतलब कि एक्सक्रीशन की प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जो लिविंग्स के अंदर देखने को मिलेगी है ना अब इस प्रोसेस में होता क्या है रिमूव किए जाते हैं हार्मफुल खतरनाक जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट मेटाबॉलिक वेस्ट वो ही वेस्ट होंगे जो बॉडी के अंदर चल रही केमिकल रिएक्शन से बनेंगे ठीक है ना हमारी बॉडी के अंदर बहुत तरह की केमिकल रिएक्शन चलती हैं जिनको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं अब उस मेटाबॉलिक रिएक्शन से कुछ भी वेस्ट बन सकता है वेस्ट अनवांटेड चीजों को हम बोलते हैं तो वो बन जाएगा और उसको हमें क्या करना है रिमूव करना है कहां से बॉडी से और इसी प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं

जो एक्सक्रीशन होता है वो उनके सेल एनवलप से ही होता है कहां से होता है सेल एनवलप से ही होता है क्लियर है जी अच्छा अब जो कॉम्प्लेक्स ऑरिजिम है देखो भाई यूनिसेल ऑरिजिम सिंपल ऑरिजिम को हम बोलेंगे सिंपल ठीक है जो कॉम्प्लेक्स है जो मल्टीसेलर है उनके अंदर हमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन दिखेंगे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इलेवेंथ क्लास में भी कुछ छोड़ना है पढ़ाने के लिए है ना नहीं तो फिर आप बोलेंगे सर कुछ नया तो पढ़ाया नहीं आपने इलेवेंथ में है भाई कुछ मैं फिर भी आपको पढ़ा देता हूँ जैसे कि स्पेशल ऑर्गन है जैसे कि ये है फ्लेम सेल्स फ्लेम सेल्स ठीक है ना फ्लेम सेल्स है ये किसके अंदर मिलती है प्लेन एरिया के अंदर मिलेंगी प्लेन एरिया प्लेन एरिया क्या है फ्लैट वॉर्म है क्या है भाई फ्लैट वॉर्म फ्लैट वॉर्म किसको बोलते हैं हम प्लेटी हेलमेंथिस को बोलते हैं ये चीज आपने एनिमल किंगडम में पढ़ी होगी क्लास नाइन में ओके okay, अब इनको फ्लेम सेल क्यों बोलते हैं क्या ये आग लगा देती है नहीं फ्लेम सेल दिखने में ऐसे लगती है जैसे लहरती रहती है जो आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे लहर रही है ये आग की तरह जैसे आग की लपटे लहरती है ना ऐसे ही ये लहर रही है ऐसा लगेगा तुम्हें ठीक है जी तो इसलिए इनको फ्लेम सेल बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि आग लगा देती है इनके शरीर के अंदर है चलिए जी आगे चलते हैं लास्ट लेक्चर है बच्चों ये ठीक है ना इसके बाद लाइफ प्रोसेस ओवर हो जाएगा इसके बाद एक और तरह की स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे फ्यूचर में जिसको हम बोलते हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल मालपीजियन ट्यूब्यूल किसके अंदर मेरे मन लिख देता हूं ना मालपीजीन ट्यूब्यूल तो मालपीजियन ट्यूब्यूल किसके अंदर मिलेगा मालपीजियन ट्यूब्यूल मिलेगा इंसेक्ट्स के अंदर इंसेक्ट जैसे कि कॉकरोच हो गया ठीक है ये वेस्प हो गया इनके अंदर क्या के मिलता है मालफिजन ट्यूब मिलता है जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक ग्रीनिश कलर के इनके है डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि आप अभी छोटी क्लास में हो इसके बाद ये तो आप सभी जानते हो इसके बारे में हम थोड़ा सा अभी डिटेल में जाएंगे फिर इलेवंथ क्लास में आओ मिलो मेरे से फिर और डिटेल में पढ़ेंगे हम ठीक है हाँ जी फिलहाल ये है किडनी ये तो सभी जानते हैं ठीक है ठीके? और किडनी हाईर एनिमल में मिलता है जैसे कि ह्यूमन बींग में मिल रहा है किडनी ठीक तो है तो ह्यूमंस के अंदर कौन सा मिलता है? मिलती है, ना और बहुत ज्यादा सिंपल ऑर्जिम जो है जो कि यूनिसेलर है वो कहां से कर लेते हैं सिर्फ अपने सेल एनवलप से ही कर लेते हैं बॉडी सरफेस से ही कर लेते हैं क्लियर है जी चलो आगे चलते हैं फटाक से अब बात करते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींगस की प्रोसेस होती है आप भी ह्यूमन हो मैं भी human हूं, हम सब हैं जो जो ये ये देख रहे हैं। और जो ये पढ़ा रहा है है तो वो भी ठीक है? हाँ। तो सुनो इसी बात पर हम बताते हैं कि कैसे हम लोग वेस्ट मटेरियल बनाते हैं और कैसे कैसे इसका एक्सक्रीशन होता है तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा अपने और सभी ह्यूमन के एक्सक्रीटरी ऑर्गन जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम तो ये है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम तो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या देखने को मिल रहा है एक तो यहां पर हमें देखने को मिल रही है किडनी क्या देखने किडनी देखने को मिल रही है जैसे कि आप देख सकते हो ठीक है किडनी कितनी है भाई दो किडनी है है ना दो किडनीज हैं एक किडनी बेच के एक आईफोन ऐसा कुछ कैलकुलेशन लगाते हैं गूगल पर इंटरनेट पर है भाई आप कैलकुलेशन मत लगाना ठीक है आप किडनी मत बेचना आईफोन के चक्कर में ये छलावा है ठीक है फिलहाल अच्छा तो किडनी है और किडनी से ब्लड क्या होता है फिल्टर होता है और फिल्टर होने के बाद फिर यूरेटर में आएगा यूरेटर के थ्रू यूरेटर देखो कुछ स्ट्रक्चर है ये भी दो मिल रहे हैं उसके बाद ये आ जाएगा यूरिनरी ब्लेडर में यूरिनरी यूरिन में ये स्टोर होगा और जैसे ही यूरिनरी फुल हो जाता है मतलब ये ये एक तरह का टंकी टंकी समझ लो जब ये फिल हो जाएगी तो फिर मैसेज जाएगा हमारे दिमाग के पास और फिर यूरेथरा के थ्रू हम इस यूरिन को बाहर निकाल देंगे तो देखो मैं क्या पढ़ाया जा रहा हूं तुम्हें किडनी में क्या होता है ब्लड फिल्टर होता है क्या होता है ब्लड फिल्टर होता है किडनी में ठीक है ना हम्म और यूरिटर के थ्रू क्या होता है ये ट्रांसफर होता है क्या होता है यूरिन ट्रांसफर होता है कहां से कहां तक किडनी से लेकर यूरिनरी ब्लेडर तक ठीक है यूरिनरी ब्लेडर में क्या होगा स्टोर होगा ठीक है स्टोर हो जाएगा यहां पर ये और फिर यूरिथ्रा के थ्रू क्या होता है इसका मिक्सचुरेशन मिक्सचुरेशन सर ये मिक्सचुरेशन क्या है तो देखो भाई यूरिन को बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस को हम मिक्सूरेशन बोलते हैं ठीक है जैसे मैंने आपको एक टाइम पर डिफेसियशन पढ़ाया था पढ़ाया था ना फीसिस को बॉडी से रिमूव करने की प्रोसेस को डिफेसिएशन बोलते हैं क्लियर है जो हम खाना खाते हैं और कुछ अनडेस्टेड फूड बन जाता है उसको बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस क्या बोलते हैं बोलते हैं लेकिन एक बात ध्यान रखना भाई जो फूड हमारी बॉडी के सेल तक पहुंचा ही नहीं मतलब कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है मैं आपको साइड में बता रहा हूं अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो हमारे बॉडी की एक एक सेल तक नहीं पहुंचता है कहां तक नहीं पहुंचता है हमारी बॉडी की एक एक सेल तक नहीं पहुंचता है कहां तक नहीं पहुंचा सेल तक नहीं पहुंचा सेल तक नहीं पहुंचा तो हमारे पार्टिसिपेट भी नहीं किया किसने पार्टिसिपेट नहीं किया सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म में तो डिफेसिएशन की प्रोसेस को मतलब जो हम अनडाइजेस्टेड फूड को शरीर से बाहर निकालते हैं उस प्रोसेस को हम क्या नहीं बोलेंगे इस प्रोसेस के मतलब फूड के रिमूवल की जो प्रोसेस है इसको हम क्या नहीं बोलेंगे इसको हम नहीं बोलेंगे बिल्कुल भी एस्क्रीशन नहीं बोलेंगे क्यों नहीं बोलेंगे क्योंकि ये एक मेटाबॉलिक वेस्ट नहीं है ठीक है ना मेटाबॉलिक वेस्ट नहीं है तो क्लियर है आप इस बात को याद रखिएगा लेकिन हम इसको बोलेंगे ठीक है ना अच्छा इसके बाद आगे चलते हैं यूरिन आप सभी जानते हो यूरिन क्या होता है यूरिन कैसे बनता है ये भी हम भी हम जान लेंगे ठीक है ना अच्छा चलो तो मैंने आपको यहां तक मेन मेन चीजें बताई हैं कि भाई क्या, क्या क्या कैसे कैसे बनता है ठीक है ना मैं इसको नेज कर देता हूँ फूड वगैरह को ठीक है आप इसको ध्यान में रखिएगा हाँ जी अब चलते हैं आगे मैं आपको किडनी को थोड़ा सा खोल के दिखाता हूँ ठीक है किडनी कैसे कैसे दिखती है तो देखो भाई हाँ जी किडनी को थोड़ा खोल के देखते हैं देखो किडनी के अंदर क्या है किडनी की जो मेम्ब्रेन है किडनी की जो लेयर है किडनी की लेयर को हम बोलते हैं रीनल कैप्सूल ठीक है ना याद रखना रीनल कैप्सूल क्या है रीनल कैप्सूल इज लेयर सराउंडिंग द किडनी जो किडनी को क्या करता है सराउंड का क्या करता है चारों तरफ से घे क्या है ठीक है ना अच्छा किडनी के अंदर अगर मैं जाऊं उससे पहले आप सोचो कोई भी मैं सर्कुलर सी स्ट्रक्चर आपको पढ़ाऊं इसका बाहर वाले एरिया को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं ठीक है बाहर वाले एरिया को कॉर्टेक्स बोलते हैं और उसके अंदर वाले एरिया को हम बोलते हैं मेड्यूला क्या बोलते हैं मेड्यूला ठीक है तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक कॉर्टेक्स रीजन है जो कि बाहर वाला रीजन है किरनी का और अंदर में मेडुला वाला रीजन भी आप देख सकते हो ठीक है ना लेकिन इसका जो अंदर वाला रीजन है यहाँ पर कुछ पिरामिड शेप स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जिसको कि हम बोल रहे हैं मेडुलरी पिरामिड क्या बोल रहे हैं भाई मेडुलरी पिरामिड बोल रहे हैं ठीक है ठीके? और कॉर्टेक्स ने आपको बता दिया है ठीक है हम अब आप खुद देखिए इन मेडुलरी पिरामिड यहां पे ना ब्लड फिल्टर होता है मेडुलरी पिरामिड में ब्लड फिल्टर होता है ठीक है मेडुलरी पैरामिड के बीच में एक खाली जगह है कॉलम एक खाली जगह है जिसको हम बोलते हैं रीनल कॉलम क्या बोलेंगे रीनल कॉलम व्हाट इज रीनल कॉलम द स्पेस बिटवीन टू मेडुलरी पैरामिड उसको हम क्या बोलेंगे रीनल कॉलम बोलेंगे ठीक है अच्छा अब यहां से ब्लड फिल्टर होने के बाद आप खुद देखिए भाई मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ ठीक है पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ तो देखो भाई खुद देखो यहां से ब्लड फिल्टर होने के बाद एक स्ट्रक्चर है यहां पर ये स्ट्रक्चर दिख रही है इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कैलिक्स क्या बोलेंगे स्ट्रक्चर को हम कैलिक्स बोलेंगे ठीक है ना तो आप खुद देखिए ब्लड फिल्टर होने के बाद कैलिक्स के थ्रू कैलिक्स के थ्रू एक नए स्ट्रक्चर में जा रहा है और जिस स्ट्रक्चर में वो जा रहा है उस स्ट्रक्चर का नाम है रीनल पेल्विस ठीक है देखो भाई मेडुलरी पिरामिड में ब्लड फिल्टर हुआ ब्लड फिल्टर होने के बाद कैलिक्स के थ्रू कहां आ गया रीनल पेल्विस में आ गया रीनल पेल्विस में आने के बाद अब देखो रीनल पेल्विस कहां कनेक्ट हो रहा है रीनल पेल्विस कनेक्ट हो रहा है आपके यूरेटर से किससे कनेक्ट हो गया ये यूरेटर से कनेक्ट हो गया क्लियर है तो आपको अगर मैं सीक्वेंस याद दिलाऊं तो सबसे पहले मेडुलरी पिरामिड के बाद कैलिक्स ठीक है मतलब फर्स्ट ये फेयर कैलिक्स और कैलेक्स के बाद आया ये रियल पेल्विस में और फिर आ गया ये यूरिटर में और यूरिटर में आने के बाद कहां गया ये यूरिनरी ब्लैडर में और यूरिन ब्लैडर के बाद कहां आ गया ये यूरेथ्रा में और यूरेथ्रा में आने के बाद ये आ जाएगा बॉडी के बाहर बॉडी के बाहर आने की प्रोसेस बॉडी के बाहर आने की प्रोसेस को जो ये यूरिन है इसका बॉडी के बाहर आने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं मिक्चुरेशन बोलते हैं ठीक है ना मिक्चुरेशन क्लियर है आई होप आप इन चीजों को याद रखेंगे अब ये जो चीज है ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा है आई होप आप इसको पचा पाएंगे ठीक है चलो जी आगे चलते हैं बताना जरूरी था ठीक है अच्छा कुछ और बातें जो मैं आपसे करना चाहता हूं जैसे कि आप सुनिए ध्यान से हम्म देखो भाई किडनी के वजनबाजी कर लेते हैं किसके अंदर कितना तो हमारे अंदर दो किडनी मिलती है एक तो लेफ्ट में किडनी मिलती।, मिलती है राइट में किडनी मिलती है ठीक है मैन के अंदर एक एडल्ट मैन की बात करो एडल्ट मैन के अंदर जो लेफ्ट किडनी है उसका वजन होता है 160 ग्राम और राइट में जो किडनी होती है मैन की उसका वजन होता है 162 ग्राम वुमेन वुमेन की लेफ्ट किडनी का वजन होता है 135 ग्राम और वुमेन की राइट किडनी का वजन होता है 136 ग्राम मैन की किडनी का वजन थोड़ा ज्यादा होता है किससे वुमेन से क्लियर है और मैन मैन की राइट किडनी का वजन ज्यादा रहेगा किससे लेफ्ट से और यह केस फीमेल के लिए भी वैलिड होगा क्लियर है तो यह बातें आपको याद रखनी है और आप देखेंगे कि लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है और राइट किडनी थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है तो मैं अगर आपको डायग्राम दिखाऊं और डायग्राम में मैंने किडनी सेम लेवल पर अगर मैं बना दो जैसे यहाँ किडनी है और यहाँ और दोनों का लेवल एकदम सेम है तो मैं गलत डायग्राम बनाया है या फिर मैंने राइट किडनी ऊपर बना दी है थोड़ी सी और लेफ्ट किडनी नीचे बना दी है तब भी मेरा डायग्राम गलत है जब मैं लेफ्ट किडनी को ऊपर बनाऊंगा और राइट किडनी को नीचे की तरफ बनाऊंगा थोड़ा सा मतलब इसका लेवल थोड़ा सा ऊपर रहेगा ठीक है इस राइट किडनी से क्लियर है ना तब मेरा डायग्राम सही माना जाएगा तो ये थोड़ा सा डायग्राम के रूल्स हैं मैं बहुत डायग्राम को ध्यान से चेक करता हूं तो भाई ध्यान से बनाना मेरे सामने डायग्राम ठीक है ना जो मेरे से पढ़ रहे हैं अगर वो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान से देता ना ये डायग्राम ठीक है ना क्योंकि मैं बहुत ध्यान से डायग्राम चेक करता हूँ रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है हमारे डायग्राम के बेसिस पर ठीक है अब आगे बात करते हैं आज अब देखो यहाँ पर आप वेन्स देख रहे हैं देखो एक तो देख रहे हो आप यहाँ पर रीनल वेन जहां भी रीनल वर्ड मिल जाए ना आपको रीनल रिनल जहां भी आपको वर्ड मिल जाए रीनल का मतलब आपका किडनी से हुआ किससे होगा भाई किडनी से ऐसे कुछ मंत्र मैं आपको देना चाहूंगा सुनो भाई ध्यान से मंत्र ले लो अब लगे हाथ जब आप आ ही गए हो तो इस मैदान में तो सुनिए हाँ जी कुछ मंत्र ले लीजिए अगर मैं बात करूं कार्डियक से रिलेटेड कोई भी बढ़ा या कार्डियक ठीक है गैस्ट्रिक कोई भी बढ़ा या गैस्ट्रिक पल्मोनरी कोई बढ़ा या पल्मोनरी ठीक है पल्मोनरी कोई भी वर्ड आ जाए रीनल क्लियर है तो कार्डियक का मतलब होगा हार्ट से रिलेटेड ठीक है गैस्ट्रिक का मतलब होगा स्टमक से रिलेटेड पल्मोनरी का मतलब होगा लंग्स से रिलेटेड रियल का मतलब हुआ किडनी से रिलेटेड क्रेनियम कहीं बढ़ेगा क्रेनियम क्रेनियम का वर्ड ये जो वर्ड है ये होगा माइंड मतलब ब्रेन से रिलेटेड क्लियर है आई होप आप इन बातों को याद रखेंगे ऑस्टिया ऑस्टियो कहीं बढ़ा ऑस्टियो से रिलेटेड ऑस्टियो ऑस्टियो होगा बोन्स से रिलेटेड ये कुछ मंत्र है जो मैं बायोलॉजी के आपको बता रहा हूं ठीक है ये आपने याद रखने अभी से ही मतलब आप कहीं भी ये वर्ड देख रहे हो तो आपको थोड़ा उससे अंदाजा मिल जाए कि ये उस चीज से रिलेटेड होगा ठीक है तो आपके पॉइंट्स वहीं बढ़ जाएंगे तो ये कुछ वर्ड है जो मुझे बता रहे थे हाँ एक और था हिपेटिक है तो बहुत मेरे दिमाग में भी जो आए हैं आप लोगों के हिसाब से वो मैंने बता दी हिपेटिक कहीं बढ़ाया उसका मतलब होगा लिवर से रिलेटेड लिवर ठीक है ना स्पाइनल तो स्पाइनल कॉर्ड ये ठीक है ना चलो छोड़ो इसे तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई है यहां से ले सॉरी क्वालिटी में कमी नहीं आनी चाहिए ठीक है ये जो मैंने आपको बताया है यहां से लेकर यहां तक ये आपको याद होना चाहिए आप इसका शॉर्ट ले लो ठीक है अब मैं वापस से अपने काम पर आता हूँ ठीक है हाँ जी अब देखो भाई यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया ठीक है आई होप आप इसको याद रखेंगे इसके स्क्रीनशॉट ले लो हम आगे चलते हैं लेक्चर अभी थोड़ा सा और रह गया ठीक है तो ध्यान से सुनिएगा हाँ जी आगे चलते हैं देखो अब मैं बात कर रहा हूं किडनी के अंदर एक फिल्ट्रेशन यूनिट होती है जहां पे ब्लड एक्चुअल में फिल्टर हो रहा होता है इससे पहले भी मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा ब्लड का तीन ऑर्गन में अलग अलग प्रोसेसिंग चलता है तो सुनिए कहां कहां किस किस ऑर्गन में क्या क्या प्रोसेसिंग चलती है वो आप ध्यान से सुन लीजिए तो देखो भाई एक तो होता है हार्ट ठीक है एक क्या है हार्ट है एक है हार्ट हार्ट तो आप सभी जानते हैं ठीक है एक है किडनी ठीक है और एक है लंग ठीक है अच्छा लंग से हार्ट में ब्लड आता है हार्ट से लंग में जाता है ठीक है ऐसे ही हार्ट से किडनी में ब्लड जाता है और किडनी से हार्ट में आता है ठीक है अच्छा सुनिए बात को ध्यान से लंग के अंदर क्या काम होता है ठीक है लंग्स के अंदर तो सुनो भाई लंग्स के अंदर अलग काम चलता है हार्ट के अंदर हार्ट ब्लड के साथ कुछ अलग काम करता है, है ना किडनी अलग काम करता है बताते हैं कैसे कैसे क्या क्या, क्या, क्या काम करता है तो लंग करता है ब्लड के प्योरिफिकेशन का काम कौन सा काम करेगा भाई प्योरिफिकेशन अगर मैं आपसे पूछू प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड इज डन इन तो आपको बताना है कि सर प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड इज डन इन लंग्स तो यहाँ पे क्या होता है ब्लड प्योरिफाई होता है यहां पर क्या होता है ब्लड पंप होता है क्या होता है पंपिंग होती है यहाँ पर ब्लड की ठीक है पंपिंग क्लियर है अच्छा किडनी में क्या होता है किडनी में ब्लड फिल्टर होता है फिल्टर ठीक है ना अच्छा मैंने आपको बताया था कुछ आर्टरीज़ और वेंस का बताया था आर्टरीज़ और वेन्स का अगर, अगर अगर किसी भक्तजन को किसी भी इंसान को याद हो अभी तक तो तो बात कर लेते हैं ठीक है ना हर्ट से निकलने वाली हर्ट से निकलने वाली सभी को क्या बोलते हैं भाई आर्टरी बोलते हैं क्या बोलते हैं आर्टरी ठीक है भाई आर्टरी बोलते हैं ठीक है थीके? क्या बोलते हैं आर्ट्री ठीक है हर्ट की तरफ आने वाली सभी वेसल्स को हम बोलेंगे वेंस क्या बोलेंगे वेंस वेंस ठीक है ना अब ऐसी वेसल जो कि हर्ट और लंग के बीच में कनेक्शन बना रही है उसको हम बोलेंगे पल्मोनरी वेन अगर ये लंग से हार्ट की तरफ आ रही है तो ठीक है ना और इसको पल्मोनरी आर्टरी ऐसे इसको हम बोलेंगे रेनल आर्टरी या फिर आर्ट्रियोल और इसको हम बोलेंगे रेनल वेन क्लियर है तो आप इनको याद रखना ठीक है ना? ना और रेनल किस रिलेटेड वर्ड है अभी बताया था मैंने रेनल किससे रिलेटेड वर्ड है रेनल वर्ड रिलेटेड है किडनी से और पल्मोनरी वर्ड किससे रिलेटेड है पल्मोनरी पल्मोनरी वर्ड रिलेटेड होता है आपके लंग से क्लियर है आई होप आप इनको याद रखेंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये भी ठीक है ना तो फिलहाल आपसे आगे डिस्कशन कर लेता तो हूं मैं थोड़ा सा ठीक है हम्म हम्म मैं इसको क्लियर कर रहा हूं ठीक है चलो जी आगे चलते हैं हाँ जी तो देखो एक्चुअल में जो मैंने एक पारामिड बताया था ना पारामिड की लंग सॉरी किडनी के अंदर एक रीनल पोरामिड है मेडुलरी पारामिड बोलते हैं जिसको क्या बोलते हैं मेडुलरी पारामिड इस मेडुलरी पारामिड में आप देखेंगे बड़ी क्लास में नेफ्रॉन होते हैं क्या होते हैं नेफ्रॉन या नेफ्रॉन नेफ्रॉन क्या है नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी अब किडनी क्या काम करती है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड करता है मतलब ब्लड को फिल्टर किया जाता है ठीक है ना तो इसको मैं ये भी बोल सकता हूं कि नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड ठीक है आप या तो ऐसे बोल दो फंक्शन यूनिट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड या फिर फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी बोल दो कोई बात नहीं मतलब कि किडनी का जो यूनिट फंक्शन है वो नेफ्रॉन के द्वारा किया जाता है और लाखों में मिलते हैं ये नेफ्रॉन एक किडनी के अंदर ठीक है ना लाखों में चलो आगे बात करते हैं इसके जो मेन मेन पार्ट है मैं उनके बारे में बता देता हूं जो उसके मेन मेन पार्ट है तो देखो भाई एक तो इसका मेन पार्ट है ग्लोमेरुलस ठीक है बोमेन्स कैप्सूल ठीक है पीसीटी डीसीटी और ये हेनल्स लू ठीक है और लास्ट में है कलेक्टिंग डक्ट अच्छा मैं कलर वेरिएशन करता हूं जिससे कि मैं आपको इन चीजों को अच्छे से समझा पाऊं तो ग्लोमेरुलस हो गया और बोमेन्स कैप्सूल हो गया इसके बाद इंपॉर्टेंट हिस्सा है पीसीटी डीसीटी और डीसी और हम्म और एक और इसका इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग ठीक है तो मैंने इसके तीन इंपॉर्टेंट हिस्से बताए हैं सर आपने तो कितने सारे हिस्से पॉइंट कर दिए तीन कहां, ये तो बहुत सारे हैं तो देखो भाई ये जो पहला हिस्सा इंपॉर्टेंट हिस्सा है इसको हम बोलते हैं मालफीजियन बॉडी क्या बोलते हैं मालफीजियन बॉडी कोई भी आपसे पूछे मालफीजियन बॉडी क्या है तो मालफीजियन बॉडी इज इक्वल टू ग्लोमेरुलस प्लस वोमेंस कैप्सूल तो पहला इंपॉर्टेंट हिस्सा ये हो गया ठीक है दूसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा पीसीटी डीसीटी और से मिलकर बनता है जिसको कि, मतलब किस किस से मिलकर बना है ठीक है डी सी टी इन तीन चीजों से मिलकर बन रहा है और इसको मैं बोलूंगा ट्यूब्यूलर पार्ट क्या बोलूंगा ट्यूबुलर पार्ट ठीक है अच्छा इसके बाद इसके बाद कलेक्टिंग डक्ट इसका लास्ट हिस्सा है मतलब कि जब पूरा यूरिन फिल्टर होकर आएगा

कलेक्टिंग डक्ट में ठीक है हाँ जी पानी है थोड़ा कोई बात नहीं सुनिए ध्यान से हाँ जी ये है कलेक्टिंग डक्ट ठीक है कलेक्टिंग डक्ट क्या होती है जितनी भी नेफ्रॉन हैं, वो सभी के कहां कनेक्ट होते हैं कलेक्टिंग डक्ट में कनेक्ट होंगे तो कलेक्टिंग डक्ट से कहा जाता है

पहले तो आपको समझा कि आर्ट्रियोल क्या होता है मैंने आपको बताया था जब मैं आपको ब्लड वेसल्स पढ़ा रहा था और उस दौरान आपको बताया था कि आर्ट्रियोल क्या होते हैं ठीक है कोई बात नहीं आप लोग भूल जाओगे भूल जाते हो एक्चुअली कोई बात नहीं ये है आर्ट्रियोल देखो आर्ट्रियोल क्या होता है जो बहुत ही फाइन फाइन ट्यूब्स होती है आर्ट्री की जैसे ये कोई आर्ट्री है और आर्ट्री बहुत ज्यादा फाइन ट्यूब्स में अगर बट रहा है बहुत ज्यादा फाइन ट्यूब्स में अगर बट चुका है तो इन फाइन ट्यूब्स ऑफ आर्ट्री को हम बोलेंगे ठीक है ना ये बात मैंने आपको पहले पढ़ाई थी शायद आपको याद हो अगर नहीं है याद तो जो मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन है ह्यूमन पढ़ाया ना उसमें ब्लड वेसल पढ़ाए होंगे वहां से आप पढ़ लेना ठीक है दोबारा से चलो जी आगे चलते हैं अब ए फ्रेंट क्या करता है देखो ए फोर आप ये समझ लो आओ ए फोर आओ मतलब ये ब्लड को लेकर के आएगा यहाँ पे किधर मालफिजन बॉडी के अंदर ब्लड को लेकर के आएगा और ई फोर होता है एग्जिट और ये क्या करता है ब्लड को लेकर के जाएगा तो मालफिजन बॉडी में ब्लड को कौन लेके आएगा ए फ्रेंट और ब्लड को लेकर कौन जाएगा ई फ्रेंट आर्ट्रियल क्लियर है आप इसको याद रखना

देखिए यहां से ब्लड आया कौन से आर्टिकल के थ्रू थ्रू ब्लड आया आने के बाद फिल्टर होकर के कहा बड़ी स्क्रीन पर ठीक है बिग पिक्चर करके ठीक है बताता हूँ यूरिन कैसे कैसे बनता है तब ये सब समझ में आ जाएगा फिलहाल आप इसका स्क्रीन ले लो और मैं चलता हूँ थोड़ा सा आगे ठीक है हाँ जी अब आगे चलते हैं बात करते हैं यूरिन कैसे कैसे बनता है तो देखो भाई सबसे पहले ये जो है ना मैंने यहां बड़े डायग्राम में आपको समझा रहा हूं क्लियर है इसके बाद देखो भाई पीसीटी आएगा पीसीटी की फुल फॉर्म है प्रोक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल ठीक है ना पीसीटी खैर उसको छोड़ो फिलहाल यहां ध्यान दो यहां पर एक है ए फ्रेंट आर्ट्रियॉल और इधर से निकला ई फ्रेंट आर्ट्रियॉल ठीक है और कहा से आ रहा है अच्छा भाई ब्लड आ रहा है अनफिल्टर ब्लड कौन सा ब्लड आ रहा है अन फिल्टर ब्लड मतलब ऐसा ब्लड जिसके अंदर अभी गंदगी है उसमें से मुझे गंदगी निकालनी है ठीक है तो वो ब्लड आया यहां पर और ये जो स्ट्रक्चर है अंदर इसको हम बोलते हैं ग्लो मेरुलस क्या बोलते हैं ग्लो मेरुलस बोलते हैं अब ग्लो मेरुलस से ये जो गंदगी है ये बाहर यहां आ जाएगी जब हम घर का कचरा निकालते हैं कूड़ा निकालते हैं तो हम एकदम सब कचरा बाहर निकाल देते हैं ठीक है निकाल दिया फिल्टर करके एक कचरा बाहर निकाल दिया निकाल दिया ना सभी ने हम्म तो ये जो कचरा है यहां पर आ जाएगा क्लियर है अब उस कचरे में से हम लोग सोचते हैं यार ये भी इंपॉर्टेंट है कुछ चीज ये इंपॉर्टेंट है कुछ चीज इंपॉर्टेंट है तो इनको हम क्या करते हैं इस प्रोसेस क्या बोलते हैं इस कचरे में से भी कुछ जरूरी चीजों को वापस से बीन लेना अपने शरीर में वापस से एब्जॉर्ब कर लेना उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ठीक है ना भाई याद रखना सबसे पहला जो ये फिल्टर हो रहा है तो पहला क्या गया पहला क्या हो है अल्ट्रा फिल्टरेशन अल्ट्रा फिल्टरेशन तो पहला स्टेप तो ये हो गया गंदगी बाहर निकाल, निकाल दिया मतलब कूड़ा लड़कर पूरा बाहर निकाल दिया इसमें से ठीक है अब इसमें से कुछ जरूरी चीजों को वापस एब्जॉर्ब करना है एब्जॉर्ब किया फिर कोई आएगा ए नहीं ये अच्छी चीज नहीं है ये अच्छी चीज नहीं है इसको वापस से डाल वापस से घर में और भी कुछ गंदगी फिर कुछ और गंदगी वापिस से एड करी जाएंगी नेफ्रॉन के अंदर थर्ड स्टेप में ठीक है ना कुछ देखो पहला स्टेप क्या था फिल्टर करके हमने कचरा बाहर निकाला घर वालों से पूछा भाई कुछ है जरूरी चीजें तो जरूरी चीजें हमने क्या कर ली एब्जॉर्ब कर ली ठीक है जैसे कि हमने इस ब्लड के अंदर में जितना भी वेस्ट था फालतू का था वो पहले हमने सब एक साथ निकाल दिया फिर हमने सही से पूछताछ करी कि भाई क्या कुछ जरूरी चीजें हैं तो हाँ जरूरी चीजें तो हैं तो वो क्या कर लिया हमने सेकेंड स्टेप में रीएब्सॉर्ब कर ली फिर थर्ड स्टेप भाई लास्ट बारी बता दो कुछ वेस्ट थोड़ी रह रहा तो कुछ वेस्ट फिर भी रह, रह जाता है शरीर के अंदर तो उसको हम वापस से क्या करते हैं वापस से इस ट्यूब के अंदर इस ट्यूबुलर पार्ट के अंदर मैंने बताया ना भाई नेफ्रोन के दो हिस्से हैं एक तो है मालकीजन बॉडी एक है ट्यूबुलर पार्ट ये जो ट्यूबुलर पार्ट है किस किस से मिलकर बनता है ट्यूबुलर पार्ट ट्यूब्यूलर पार्ट है जो नेफ्रॉन का वो किस किस से मिलकर बन रहा है अभी बताया था मैंने आपको वो बन रहा है पीसीटी हैनल्स लूप और डीसीटी से मिलकर ठीक है ना तो इस ट्यूब वाले हिस्से में इस ट्यूब वाले हिस्से से पहले क्या किया गया सेलेक्टिव री किया गया फिर पूछा गया कि कोई जरूरी चीजें तो नहीं है फिर वापस जरूरी चीजें क्या कर दी ट्यूब में वापस से सेक्यूरेट कर दी गई ट्यूब में वापस से डाल दी गई ठीक है कुछ गंदगी और होंगी शहर के अंदर वो चीज आप देखेंगे कौन कौन सी चीजें हमने वापस से एब्जॉर्ब करी हैं वो आप यहाँ देखेंगे ब्लू वाले कॉलम में और कौन कौन सी चीजें हमने वापस से इस ट्यूब के अंदर वेस्ट के तौर पर डाली है वो चीजें आप यहाँ देखेंगे ठीक है तो मैं इसको और एक बार सिंप्लीफाई करके पढ़ा रहा हूँ ठीक है इसका आप एक शॉर्ट ले लो फिर मैं और आगे चलता हूँ हाँ जी सुनिए ध्यान हाँ से इस चीज को और सिंप्लीफाई करके पढ़ाएंगे लास्ट आइए इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा ठीक है सुनो ये पहला स्टेप क्या है पहला स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब कि जो यहाँ ये जो एफ्रेंट आर्ट्री वाला यहां से ब्लड आया यहां से कुछ गंदगी कहाँ गई ये आ गई आपके बोमेन्स कैप्सूल में वोमेंस कैप्सूल में आ गई ठीक है पहला स्टेप क्या है इसी पहले स्टेप को हम क्या बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं ठीक है सेकेंड स्टेप है सेलेक्टिव री एब्जॉर्न मतलब कि अब जो ये गंदगी यहां घूम रही है इसमें से क्या होगा इसमें से कुछ चीजें वापस से क्या कर ली जाएंगी एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी ब्लड के अंदर वापस से ब्लड के अंदर क्या कर ली जाएंगी एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी कौन कौन सी चीजें वापस से एब्जॉर्ब करिए हमने हमारे लिए जरूरी है एब्जॉर्ब कर लो भाई अम्यून एसिडीडी जरूरी है इसको एब्जॉर्ब कर लो प्रोटीन जरूरी है विटामिन जरूरी है लैक्टेट जरूरी है यूरिया जरूरी है यूरिक एसिड जरूरी है थोड़ा थोड़ा ठीक है ना तो इसको हमने क्या कर लिया वापस से रीएब्जॉर्ब कर लिया ठीक है इनकी आयोनिक फॉर्म में क्लियर है रीएब्जॉर्ब कर लिया भाई ठीक है अच्छा बहुत बढ़िया चलो ऐसे ही फिर ये वेस्ट आगे चलता गया आगे चलता गया आगे चलता गया चलता गया हाँ भाई पानी जरूरी है पानी जरूरी है पानी को निकालो निकाल दिया पानी ठीक है आगे चलते गए, चलते गए चलते गए चलते गए भाई सोडियम जरूरी है पोटेशियम जरूरी है क्लोरीन जरूरी है निकालो उसको बाहर निकाल लिया अपने शरीर में मतलब वापस ले ले जो भी ये ब्लू कोलम है ना ये शरीर के अंदर वापस चला जाता है ठीक है और फिर आगे चलते गए डीसीटी टी में आगे डीसीटी टी में सोडियम निकालो क्लोराइड निकालो आयन निकालो वाटर निकालो निकालते कर रहे हम निकाल लिया हमने ठीक है निकाल लिया थी. अब चलने के दौरान जब हम री कर रहे थे क्या कर रहे हैं अभी हम री एब्जॉर्प्शन यूरिन ऐसे नहीं बनता है ठीक है ना बहुत तगड़ी प्रोसेस है यूरिन बनने की भी यूरिन मतलब पेशाब ठीक है उसके बनने की बहुत तगड़ी बहुत अच्छी प्रोसेस है तो देखो पहला स्टेप क्या था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो कि आप समझते हो ब्लड फिल्टर होके उसका जो गंदगी है वो कहा के के तो कि मैंने आपको बताया दूसरा है ट्यूबुलर सेक्रेशन अब ट्यूबुलर से क्या होता है कुछ और गंदगी शरीर के अंदर मिली भाई जब ही रहा है इतना कबाड़ा तो इनको भी लेते चलो यूरिया यूरिक एसिड क्रिएटिनिन हाइड्रोजन आयन अमोनियम आयन कुछ ड्रग्स दवाई वगैरह ठीक है ना ड्रग्स हम लेते हैं वो ड्राई दवाई वगैरह ठीक है ना ऐसे ही ये बाकी चीजें हैं ये सब भी क्या कर दी जाती हैं वापस इस पार्ट में भेज दी जाती है इसके अंदर डाल दी जाती है और इस डालने की प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्यूबुलर सेक्रेशन पहला अल्ट्राफिल्ट्रेशन दूसरा सेलेक्टिव री तीसरा है ट्यूबुलर सेक्रेशन ठीक है ना इन तीन स्टेप्स के बाद बन जाता है यूरिन और यूरिन बनने के बाद कहा जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा अब कलेक्टिंग डक्ट में आने के बाद भी हम सोचते हैं भाई थोड़ा सा पानी इसमें से निकाल लो क्या करेंगे इतना तो पानी बाहर भेज के ठीक है ना तो कलेक्टिंग डक्ट में से भी थोड़ा सा क्या होता है रीएब्जॉर्प्शन होता है और यूरिया भी थोड़ा सा निकाल लिया जाता है कि फ्यूचर में थोड़ा काम में आएगा अब ये कैसे कैसे काम में आता है यूरिया वगैरह ये 11 क्लास में आप डिटेल में पढ़ेंगे फिलहाल आप बस इतना याद रख लो कौन कौन से तीन स्टेप होते हैं यूरिन बनने के क्लियर है ना अब में आने के बाद ये कहां पहुंचेगा कैलेक्स में के थ्रू कहा जाएगा कैलेक्स के थ्रू कहा जाएगा भाई कैलेक्स के थ्रू आ जाएगा रीनल पैलविस में और रीनल पैलविस के बाद कहा जाएगा यूरेटर में कहा जाएंगे यूरेटर में जाएगा और यूरेटर के बाद कहा जाएगा यूरिनरी ब्लेडर में जाएगा और उसके बाद जाएगा यूरेथ्रा और यूरेथ्रा के बाद बॉडी के बाहर ठीक है ये बात मैंने आपको अब आप दूसरी बार बता रहा हूं तीसरी बार ही बता रहा हूं क्लियर है ना चलो इसके बाद आगे बात करते हैं हाँ जी कोई बात नहीं है जितना है इतना आप कवर करें ठीक है इससे ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है अगर आप इतना भी बता दो किसी के सामने तो बस आपके आपकी तारीफ ही होंगी ठीक है इसका ले लो, बहुत ही डायग्राम है, ठीक है ना चलो जी अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं देखो भाई ये तो आपको याद रखना ही है ठीक है ना कि यूरिन कैसे कैसे बनता है एक हार्मोन हमारी बॉडी में जिसको बोलते हैं एडीएच एडीएच की फुल फॉर्म है एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन एक हार्मोन हमारी बॉडी में इसका नाम है एंटी डाय हार्मोन ठीक है ना एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है हमारी बॉडी में जो ये पानी हम एब्जॉर्व कर पा रहे हैं ना पानी को जो एब्जॉर्व कर पा रहे हैं वाटर एब्जॉर्प्शन तो ये क्या काम करता है ये हार्मोन क्या काम करता है आपको अगर कोई पूछ ले आपसे कोई पूछ ले तो आप बता देना ये वाटर का री कराता है मतलब शरीर के अंदर पानी को वापस से एब्जॉर्ब कराता है क्या होगा अगर एडीएच कम बनेगा अगर एडीएच कम बनेगा तो हम पानी को शरीर के अंदर वापस से नहीं कर पाएंगे तो ज्यादा ज्यादा पानी किडनी में इकट्ठा होगा और ज्यादा ज्यादा पानी जब किडनी में इकट्ठा होगा जब वाटर की कंसेंट्रेशन किडनी के अंदर बढ़ेगी तो क्या होगा तो हम बार बार हम मिक्सूरेशन करेंगे क्या करेंगे बार बार मिक्सचूरेशन एंड इज मन यू ऑल अबाउट दिस ठीक है ना तो हम बार बार क्या करेंगे करेंगे तो जो यूरिन जो यूरिन बनने की जो प्रोसेस है उसको रेगुलेट कौन करता है यूरिन बनने की प्रोसेस को रेगुलेट करता है एंटी डाय यूरेटिक हॉर्मोन अच्छा जो हम चाय पीते हैं टी या कॉफी या कोल्ड ड्रिंक जिनमें कैफीन होता है तो इनके अंदर डाय यूरेटिक्स होते हैं क्या होते हैं डाय यूरेटिक्स अब डाई यूरेटिक्स क्या करते हैं इस हार्मोन के खिलाफ काम करते हैं जब हम ये ज्यादा लेंगे तो एडीएच कम काम करेगा और जब ये कम काम करेगा तो जो लोग टी ज्यादा पीते हैं कॉफी ज्यादा पीते हैं उनको ज्यादा ज्यादा क्या आएगा यूरिन जा सेक्रेशन वो करेंगे वो ज्यादा ज्यादा क्या सेक्रेट करेंगे यूरिन को सेक्रीट करेंगे ज्यादा ज्यादा क्यों क्योंकि पानी तो शरीर में वापस हम नहीं करें ना पानी हमारे शरीर में वापस नहीं जाएगा तो पानी कहा जाएगा शरीर से बाहर जाएगा और शरीर के बाहर कैसे जाएगा मिक्सूरिशन के थ्रू बाहर जाएगा तो शरीर के अंदर बॉडी के अंदर वाटर को वापस से रीऐब्जॉर्ब बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है क्योंकि अगर हमने पानी को अपने शरीर में वापस नहीं लिया नहीं लिया तो ये पानी कहा जाएगा सीधा हमारे यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा क्लियर है नहीं है तो चलो ये चीज आप याद रखेंगे इसके बाद आगे चलते हैं हाँ जी अब देखो एक कॉन्सेप्ट है आपके में एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट जो रह गए मैं वही करा देता हूँ फर्स्ट ठीक है और फिर आपकी छुट्टी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है आपके बुक में जो कि ये दे रखा है आर्टिफिशियल किडनी का कॉन्सेप्ट दे रखा है आर्टिफिशियल किडनी को हम बोलते हैं हीमोडायलाइसिस भाई किडनी क्या काम करती है ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है तो कई बार क्या होता है किडनी में कुछ इन्फेक्शन आ जाता है ठीक है ना किडनी में कुछ खराबी आ जाती है तो ब्लड फिल्टर नहीं हो पाता अच्छे से तो हमें उसके ब्लड का कनेक्शन कहाँ कराना पड़ता है एक आर्टिफिशियल किडनी से कराना पड़ता है मतलब एक आर्टिफिशियल ब्लड फिल्टरेशन डिवाइस से हम इसको कनेक्ट कराएंगे तो देखो क्या है पढ़ते हैं किडनीज आर वाइटल एनसीआरटी लाइन्स किडनी सही बात है क्या हो जाएगा किडनी की एक्टिविटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी रिड्यूस हो जाएगी अच्छा किडनी की एक्टिविटी को टेस्ट करने के लिए टेस्ट हो जाएगा तो बोलते के एफ, के एफ टी क्या है, है? किडनी फंक्शन टेस्ट कि हमारी किडनी सही से काम कर रही है या नहीं तो उसके लिए जो हम टेस्ट कराते हैं उसका नाम है के एफ टी ठीक है ना अच्छा तो होता क्या है जब हम पाएंगे कि हमारी किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही है तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा भाई धीरे धीरे किडनी अगर अच्छे से काम नहीं करेगी तो हमारे शरीर में जो टॉक्सिक सवस्टांस है जो पॉइजनस वेस्ट है वो ज्यादा हो जाएंगे बॉडी में नहीं हो जाएंगे और जिसकी वजह से क्या हो सकता है जिसकी वजह से हमारे शरीर की डेथ भी हो सकती है हम मर भी सकते हैं ठीक है ना और कई कई बार किडनी भी फेल हो जाती है ठीक है ना तो हमें एक आर्टिफिशियल किडनी यूज करनी पड़ती है ठीक है अब ये आर्टिफिशियल किडनी क्या है ये एक ऐसा डिवाइस है जिसकी वजह से हम रिमूव कर पाएंगे नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को कहा से ब्लड में से ठीक है ना कौन सी प्रोसेस से डायलाइसिस से तो ब्लड को रिमूव करें इसलिए आ गया और डायलाइसिस इसको फिल्टर किया जा रहा है ठीक है ना अच्छा अब सुनो ध्यान से नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या होता है नाइट्रोजन वेस्ट देखो तीन तरह के होते हैं एक तो होता है यूरिया एक होता है यूरिक एसिड एक होता है अमोनिया ठीक है ना तो सुनो भाई अमोनिया जो है वो सबसे ज्यादा हाँ टॉक्सिक है सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा डेंजरस कौन सा अमोनिया है उसके बाद लेस डेंजरस है यूरिया और सबसे कम डेंजरस है यूरिक एसिड ठीक है ना ये बतावा हमें सबसे ज्यादा कौन है अमोनिया उसके बाद है यूरिया और यूरिक एसिड सबसे ज्यादा कम डेंजरस है तो जो जितना ज्यादा टॉक्सिक होगा उसके रिलीज करने में ज्यादा ज्यादा क्या लगेगा पानी लगेगा तो इसीलिए जिन जीव के अंदर अमोनिया नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उस जीव को हम ऐसा पाएंगे कि वो पानी के अंदर मिलता है मतलब वो एक्वेटिक होता है क्योंकि उसके पास पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है ना अमोनिया को सहीट करने के लिए अच्छा और यूरिया के लिए देखो हम थोड़ा सा यूरिया निकालते हैं और उसके साथ हम कितना सारा पानी निकाल देने सही से तो क्योंकि ये भी टॉक्सिक है ना जबकि यूरिक एसिड जो बर्ड्स वगैरह होती हैं बर्ड्स वगैरह तो एकदम पेस्ट फॉर्म में अपना वेस्ट निकाल देती हैं जो कि आप देख सकते हो ठीक है ना वो ज्यादा पानी का यूज नहीं करते हैं तो जितना ज्यादा टॉक्सिक जितना ज्यादा टॉक्सिक उतना ही ज्यादा वाटर की जरूरत होगी तो टॉक्सिसिटी ऑफ ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉटर रिक्वायरमेंट ठीक है ना ये आप इक्वेशन यहां से बना सकते हो चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं अब आर्टिफिशियल किडनी के अंदर क्या होती है एक बहुत सारी ट्यूब होंगी ठीक है ना जो कि सही पर लाइनिंग के साथ एक टैंक के अंदर होंगी जिसके अंदर डायलिसिस फ्लूड होगा ठीक है ना अब ये फ्लूड एक ऑस्मोटिक प्रेशर बनाता है जैसे किडनी के अंदर ना ऑस्मोटिक प्रेशर का गेम खेला जाता है जिसकी वजह से यूरिन बनाया जाता है सेम ऐसे ही इस आर्टिफिशियल किडनी के अंदर ये ऐसा ही सेटअप किया गया है जो ऑस्मोटिक प्रेशर किडनी के अंदर बनता है वही सेम ऑस्मोटिक प्रेशर कहां सेट किया जाता है इस आर्टिफिशियल किडनी में सेट किया जाता है जिसकी वजह से हम वेस्ट को अलग कर पाते हैं ठीक है ना अब पेशेंट के ब्लड को पास कराया जाएगा देखो यहां से पेशेंट का ब्लड लिया जा रहा है और कहा पास कराया जा रहा है इस आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू पास कराया जा रहा है और आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू जब हम पास करा रहे हैं ठीक है तो देखो एक तरफ से हमें क्या मिल गया एक तरफ से हमें इस तरफ से यूरिन मिल गया है यूरिन हम कलेक्ट कर लेंगे ठीक है अब काम की बात कर लेते हैं ये ऐसे ही फंक्शन करता है जैसे हमारी किडनी काम करती है ठीक है ना हम्म बट इट इज डिफरेंट सिंस देर इज नो री एब्जॉर्न इन्वॉल्व लेकिन इसमें एक कमी है कि री एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता बस क्या नहीं हो सकता री एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता तो आर्टिफिशियल किडनी का लिमिटेशन क्या है कि उसमें री एब्जॉर्प्शन नहीं होगा ठीक है ना रियन क्या आपको अभी, अभी समझाया था अच्छा नॉर्मली एक जो हेल्दी एडल्ट होता है एक हेल्दी एडल्ट ठीक है ना वो 180 लीटर का फिल्ट्रेट बना देता है एक दिन में ठीक है हाई ओवर द वॉल्यूम एक्सक्रीटेड इज ऑनली लीटर और टू अ डे अब देखो भाई अगर मैं आपको वापस उसी कॉन्सेप्ट लेकर के चलू मैंने आपको एक यहां पे केस समझाया था ठीक है तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से एक दिन में हम जो फिल्ट्रेट फिल्टरेट वो होता है 180 ML. लेकिन द एंड जो हम यूरिन निकालते हैं एक दिन में वो कितना निकालते हैं वन टू टू लीटर अच्छा ये एम एल नहीं है ये लीटर है मैंने ऊपर एम एल लिख दिया है जबकि क्या है लीटर अब देखो भाई खुदा अंदाजा लगा ना हम एक दिन में कितना फिल्ट्रेट बना देते हैं वन एट्टी लीटर लेकिन एक दिन में हम यूरिन कितना से हिट करते हैं वन से टू लीटर से हिट करते हैं ठीक है अच्छा तो इसका मतलब क्या है बहुत ज्यादा चीज हमने क्या कर ली अपने शरीर में वापस से रीएब्सॉर्ब कर ली क्या कर ली री एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं तभी तो जो कुछ बचा कुचा है जो बच जाता है ठीक है ना री एब्जोर्शन करने के बाद जो कुछ बच जाता है वही तो यूरिन रह जाता है

यूरेटिक हार्मोन सोचो अगर ये हार्मोन नहीं होता तो कितनी दिक्कतें होती हम तो पूरे दिन चक्कर लगा देते कि सर लगातेट चले जाएं सर यहां चले जाएं, सर नंबर नंबर एक सर दो सर टॉयलेट चले जाएं टॉयलेट चले, चले जाएं ऐसे अब मचाते रहते पूरे दिन भर ठीक है और अपने घर में भी टॉयलेट रूम में ही बैठे रहते क्योंकि 180 लीटर को आप सकट करते हुए एक सौ अस्सी लीटर अपने सही से निकालते और फिर कितना पानी आप पीते

यहाँ पे क्वेश्चन आया डेस्क द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ यूरिन सॉरी फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन तो देखो भाई स्ट्रक्चर क्या है और कैसे कैसे फंक्शन करता है ये चीज मैंने आपको यहाँ समझाई है आप यहाँ देख सकते हो मैंने आपको यहाँ नेफ्रॉन के बारे में बताया था तो आप बता सकते हो नेफ्रॉन के जो मेन मेन फंक्शन है ठीक है ना कौन कौन सी मेन मेन स्ट्रक्चर है वो बता सकते हो मैंने अभी समझाया था आपको और इसका फंक्शन कैसे कैसे करता है वो भी मैंने आपको बता दिया तो आपको यूरिन कैसे कैसे बनता है वो भी बता देना इसमें और ये स्ट्रक्चर डिफाइन कर देना ठीक है ना तो इसका जवाब हम कैसे देंगे इसका जवाब हम कैसे देंगे सुनो ध्यान से इसके अलावा हम इस तरह से देंगे दो पार्ट में देंगे इसका सबसे पहले पार्ट में तो हम डिस्क्राइब करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन नेफ्रॉन के अंदर हम तीन चीजें बताएंगे सबसे पहला तो मालफीजियन बॉडी मालफीजियन बॉडी मालफीजियन बॉडी किस किस से मिलकर बनी है वो बनी है आपके ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल से मिलकर ठीक है इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्यूबुलर पार्ट किसकी ट्यूबुलर पार्ट उसमें क्या क्या बताएंगे हम पीसीटी, डीसीटी और हेनल्स लूप ठीक है अच्छा इसके बाद तीसरा पार्ट हम बनाएंगे कलेक्टिंग डक्ट के बारे में और डायग्राम बनाना है ठीक है ना कलेक्टिंग डक्ट के बारे में हम बता देंगे ठीक है अच्छा इसके बाद सेकंड पार्ट हम बताएंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कैसे कैसे होता है कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है

से 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 है 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 ना ऐसे तो करता और और या फिर इसको भी कर सकता है, clear नहीं ये सब मैंने आपको आपको समझाया था था कौन-कौन में के बताया ऑफ यूरिन का प्रोडक्शन रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है तो आप बताना है हाँ पर एडीएच काम बताना है एडीएच और अगर आपको अपने आंसर में चार चांद लगाने हैं तो आपको इसके साथ और बताना होगा एडीएच के साथ आपको और चीजें बतानी होंगी जैसे कि जो मैंने आपको बताया ना कैफीन का कॉन्सेप्ट बताया था डाययूरेटिक्स या कैफीन का कॉन्सेप्ट भी आप इसमें डाल सकते हो क्योंकि कैफीन के अंदर क्या होता है डाई युरेटिक्स होता है और जितना ज्यादा डाययूरेटिक होगा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन उतना ही कम होगा और जितना कम वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा उतना ही ज्यादा हम क्या करेंगे यूरिन सेक्रीट सेक्रीट करेंगे secrete भी क्या एक्सक्रीट करेंगे एक्सक्रीट एक्सक्रीट ठीक है ना उतना ज्यादा हम क्या करेंगे करेंगे यूरिन को आई होप तीनों क्वेश्चन को कर लेंगे इसके बाद एनसीआर के कुछ टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है उनको भी आप कर लीजिएगा ठीक है मिलते हैं आप लोगों से जल्दी ही किसी नए चैप्टर के साथ ठीक है खत्म करते हैं अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर इतने पसंद आए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और सपोर्ट कर देना इस चैनल को क्योंकि मैं आपको बहुत ही ज्यादा क्वालिटी से पढ़ाने में बिलीव रखता हूँ ठीक है मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट किसी चैप्टर में ठीक है नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए वो आप कमेंट में बता देना कि सर नेक्स्ट ये वाला चैप्टर करा दो तो मैं वो वाला चैप्टर आपको करा दूंगा ठीक है ना खत्म